जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट फर्स्ट और पेपर फर्स्ट में, वो क्या है कि महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन क्या है। दूसरा सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी का शिक्षा में योगदान क्या है या महात्मा गांधी का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि महात्मा गांधी का बेसिक शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे और बेसिक शिक्षा के बारे में उनका क्या कथन था और बेसिक शिक्षा का क्या उद्देश्य था। तो इस वीडियो में महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के शिक्षा से संबंधित सारे बिंदुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन के बारे में क्या कहा, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के बारे में क्या मानना था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के नाम से और बापू जैसे सम्मानित नाम से पुकारा जाता है। अब महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन के बारे में क्या कहा, महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वगीण एवं सर्व कृष्ट विकास से अभिप्रेरित है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा से इंसान के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वगीण विकास हो, कंप्लीटली विकास हो और सर्वोत्कृष्ट विकास हो, यानी कि बेस्ट में भी बेस्ट विकास हो। महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर मन और आत्मा का विकास करे, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। महात्मा गांधी जी ने अपने शिक्षा दर्शन को 3H फॉर्मूला बताया था, 3H की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने शिक्षा दर्शन में महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन गांधी जी ने शिक्षा में 3H की संज्ञा दी थी। 3H का मतलब क्या होता है, 3H का आशय है हेड हैंड एंड हार्ट से, हाथ से, आपके मस्तिष्क से और आपके दिमाग से। हाथ का मतलब शारीरिक रूप से और हेड का मतलब मानसिक रूप से, हार्ट का मतलब होता है आपके आत्मा से यानी आपके मन के विकास से, हार्ट का आशय है। इसी को आगे लिखा गया है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करे, हेड हैंड एंड हार्ट, शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास करे। तो गांधी जी का ये कथन था, ये उनका शिक्षा दर्शन था, शिक्षा दर्शन का यही सिद्धांत था। अब आइए थोड़ा सा विस्तृत रूप से जानते हैं कि गांधी जी ने एक्चुअल में शिक्षा की परिभाषा कैसे दी है। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा का सर्वगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। तो ये एज इट इज गांधी जी ने डेफिनेशन दिया था। तो दोस्तों अब गांधी जी ने शिक्षा दर्शन में शिक्षा के 7 आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन किया है। गांधी जी का मानना था कि ये जो 7 आधारभूत सिद्धांत हैं ये शिक्षा में होनी ही चाहिए, हिंदुस्तान की शिक्षा में होना ही चाहिए। वो क्या 7 आधारभूत सिद्धांत है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, पहला क्या है कि सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिले। उनका मानना था कि शिक्षा कोई व्यापार का साधन नहीं है जिसको खरीदा या बेचा जा सके, तो शिक्षा निःशुल्क मिलना चाहिए और अनिवार्य मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए ही चाहिए। 7 आधारभूत सिद्धांतों में दूसरा क्या था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। गांधी जी ने मातृभाषा पे बहुत जोर दिया, उनका सीधा और साफ शब्दों में कहना था कि शिक्षा को मातृभाषा में ही समझना चाहिए। इसके अंदर लिखिए कि गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा में ही शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, मातृभाषा में ही शिक्षा को आसानी से समझा जा सकता है। तीसरी बिंदु क्या माना, साक्षरता और शिक्षा अलग अलग है। गांधी जी का सिंपल साफ कहना था कि एजुकेटेड होना और लिटरेट होना में फर्क है। इसके अंदर आप लिखिए कि साक्षर वो है जो केवल पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर एक माध्यम है शिक्षित बनने के लिए, और शिक्षा वो है जो इंसान के अंदर नैतिकता और सामाजिकता और एक अच्छे आचरण का क्या करता है, निर्माण करता है, तो वो शिक्षा हो गई। तो गांधी जी ने साफ कहा था कि शिक्षा और साक्षरता एक दूसरे से भिन्न है, अलग है, एक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य, बालक के मानवीय गुणों का, मानवीय गुण का मतलब एक मनुष्य से कैसे, एक इंसान से कैसे प्रेम से बात करना, प्यार से बात करना, इंसान के अंदर इंसानियत लाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इसीलिए इसको आधारभूत सिद्धांत कहा गया है। तो गांधी जी के 4 आधारभूत सिद्धांत में पहला था कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना, दूसरा था कि मातृभाषा में शिक्षा मिलना, तीसरा था कि
शिक्षा और साक्षरता को अलग समझना। इसका मतलब ये ना कि जैसे कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो शिक्षित नहीं, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे होना आपका साक्षरता है, ये लिटरेसी दिखाता है। लेकिन शिक्षित होने का मतलब आपका सभ्य होना, आपका नैतिकता होना, आपके अंदर एक समाज की भावना होना, ये शिक्षा को दर्शाता है। और नेक्स्ट था भाई, शिक्षा के उद्देश्य में मानवीय गुण इंसानियत को बढ़ाना शिक्षा के उद्देश्य माना था गांधी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पांचवा बिंदु है बालक में ऐसी शिक्षा दी जाए जो उसके हृदय मन और आत्मा को संतुलित विकास करे। वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हृदय मन और आत्मा का संतुलित विकास हो सके ऐसी शिक्षा देना चाहिए। और छठा दोस्तों, इसके आधारभूत सिद्धांत है कि शिक्षा में स्थानीय उद्योगों का माध्यम बनाया जाए। स्थानीय उद्योग का मतलब क्या है कि आप जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखे जॉब जाके विदेशी कंपनी में काम करें, दूसरे के वहाँ काम करें। शिक्षा में स्थानीय उद्योग, स्थानीय उद्योग से क्या मतलब है, आपके वहाँ जो जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हैं, जैसे कि कपड़े की बुनाई करना, खादी कपड़े की बनाना, चमड़े का काम करना, सिलाई कढ़ाई, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना। तो गांधी जी का ये मानना था कि स्थानीय उद्योग का माध्यम बनाया जाए शिक्षा को। और सातवां पॉइंट दोस्तों, शिक्षा रोजगार और परख हो, पढ़े लिखे के लिए रोजगार हो, शिक्षा ऐसी मिले जिससे वो रोजगार का साधन बने। तो दोस्तों ये मुख्य बिंदु हैं, सात बिंदु जिनको शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत माना गया है गांधी जी के शिक्षा दर्शन में। तो इन सात बिंदुओं को आप एज ए हेडिंग नोट करिए, अगर लॉन्ग में आंसर आता है तो इसका और एक्सप्लेन करिएगा, शॉर्ट में आता है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम मूव करेंगे गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या हैं। तो दोस्तों गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य, अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है शिक्षा दर्शन ना लिख के लिखता है शैक्षिक उद्देश्य, तभी भी आप इन्हीं बिंदुओं को लिख सकते हैं। तो गांधी जी के शैक्षिक उद्देश्य कह लीजिए या गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य कह लीजिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्या था, रोजगार का साधन। गांधी जी ने वही चीज़ें जो डिस्कस की जा चुकी है, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को आर्थिक आवश्यकताओं की पूरी करती हो, बालक शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके तथा बेरोजगारी से मुक्ति मिले। ठीक है, तो पहला क्या था उद्देश्य भाई शिक्षा का गांधी जी के शैक्षिक सिद्धांतों के द्वारा, कि पहला रोजगार का साधन हो, दूसरा हो सांस्कृतिक लक्ष्य। अब देखिए ये बहुत मजे की चीज़ है, गांधी जी ने शिक्षा को संस्कृति का आधार माना है। बालक की शिक्षा ऐसी हो जो उनको अपनी संस्कृति तथा परंपराओं व मूल्यों को जोड़ कर रखे। अब आप एक बात हमें बताइए, अभी करंट में छठ पूजा का त्यौहार चल रहा है, ठीक है, आप में से कितने लोगों ने CBSE के क्लासेस में छठ पूजा के बारे में पढ़ा है, आप में से कितने लोगों ने दशहरा के बारे में पढ़ा है। ये चीज़ें क्यों हमारे समाज से छूटती जा रही हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। अगर आप छठ पूजा या दशहरा एक छोटे से कहीं कॉर्नर में लिखा होगा, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो गांधी जी का मानना था, ये उद्देश्य उन्होंने रखा था कि सांस्कृतिक लक्ष्य, आपकी जो भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आपसे जोड़ कर रखा जाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। लेकिन हमारी दुर्भाग्य कि हम अंग्रेजी कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं और अपनी शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, वरना रामानुजम और आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के देश में अभी भी हम शिक्षार्थी शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और जाके देश विदेश में जॉब कर रहे हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तो चलिए दूसरे टॉपिक से हटके नेक्स्ट हम देखते हैं कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या थे। बालक का समग्र विकास करना, पुरुष कंप्लीट ऑलराउंड डेवलपमेंट, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास करने वाला होना चाहिए, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। दूसरा, गांधी जी ने नैतिक एवं चरित्र उत्थान वाली शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, इंसानियत होना चाहिए और चरित्र का उत्थान हो, ऐसे शिक्षा पर बल दिया। पांचवा दोस्तों, महात्मा गांधी ने शिक्षा का पांचवा उद्देश्य मुक्ति बताया है। मुक्ति मतलब सांसारिक मोह माया से मुक्ति, आप स्वयं आजाद रहें। ठीक है, तो सभी तरह के बंधनों से मुक्ति, बालक को आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो, उसकी बालक को इस बात की आज़ादी हो कि वो सही और गलत में फर्क कर सके और सही और गलत चुन के उधर अपने आप को लेके जा सके। वे सत्य और ईश्वर की प्राप्ति के शिक्षा के साथ समायोजित करना चाहते हैं, जिसका महत्व सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सके। मतलब अगर कोई बच्चा आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहता हो, कोई बच्चा जैसे हिफ्ज करना चाहता हो, कोई बच्चा आश्रम में पढ़ना चाहता हो, पुजारी बनना चाहता हो, चर्च के फादर्स बनना चाहता हो, तो उसको स्वतंत्रता हो इस बात की। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को सांसारिक बंधनों से, हर तरह के बंधनों से मुक्ति वाला बताया कि जरूरी नहीं है कि पापा फोर्स करें ये करो तो वही करो, नहीं, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चा स्वयं अपने आप से करे। तो दोस्तों ये थे शिक्षा के उद्देश्य। एक चीज मैं रिपीट कर दूं दोस्तों, बहुत जल्द इस वीडियो को खत्म करना है, तो एक चीज मैं रिपीट कर दूं,
शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत या शिक्षा की उद्देश्य, ये दोनों काफी आपस में सिमिलर है। तो आपको जहां तक चीजें समझ में आए उसको आप एग्जाम्स में इजीली लिख सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे गांधी जी की बेसिक शिक्षा, मतलब बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, ठीक है, इसके बारे में गांधी जी ने क्या कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस वीडियो में सारे बिंदुओं को इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, उनके उद्देश्यों को बताइए, ठीक है। तो आप कभी पूछा जा सकता है गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत क्या है, तो उनके सिद्धांत लिखने। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा का क्या कथन है, उनका क्या विचार है बेसिक शिक्षा के बारे में, तो एक वीडियो में कंप्लीट आपको यहां पे बता दिया जाए। तो बेसिक शिक्षा के बारे में जान जाइए, बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का बेसिक शिक्षा का फॉर्मूला एक महानतम देन है। उन्होंने बच्चों की बुनियादी शिक्षा कैसी हो, उसका स्वरूप कैसा हो और इसका संपूर्ण मॉडल प्रस्तुत किया था गांधी जी ने। 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भारत के शिक्षा का यह मॉडल प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, जिसमें 10वीं तक अंग्रेजी मुक्त कुटीर उद्योग पे आधारित हो, इंग्लिश मुक्त करके आपके जो शिल्प कलाएं हैं, आपकी जो कुटीर उद्योग है उस पे आधारित शिक्षा की बात की गई थी। उस समय एक कमेटी थी, जाकिर हुसैन कमेटी समिति, तो उसके द्वारा गांधी जी के प्रस्तावित स्कूल शिक्षा की योजना तैयार की और 1938 में हरपुर सम्मेलन में इसे स्वीकृति मिल गई, 1938 में इसे स्वीकृति मिल गई, ठीक है। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ज़्यादा सन याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना याद रखिए कि गांधी जी ने 1937 में वर्धा के राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका क्या किया था, मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो अब इस मॉडल में क्या विशेषताएँ थी भाई, क्या कहा था उन्होंने, तो बेसिक शिक्षा का मतलब उन्होंने क्या कहा था, उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। तो बेसिक शिक्षा की विशेषता यह है, बुनियादी शिक्षा की पाठ्यक्रम 7 वर्ष की अवधि थी, ठीक है। बेसिक शिक्षा की दूसरी विशेषता यह थी कि इसमें 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। मतलब इसमें कहा था, गया था कि 7 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाए और अनिवार्य पढ़ाया जाए। वजह यह है कि अगर कोई गरीब भी हो वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो बेसिक शिक्षा में यही माना गया था, पहला कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और दूसरा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो मगर हिंदी भाषा के सभी के लिए अनिवार्य रहेगी, ठीक है, मातृभाषा हिंदी हो। अब जैसे मान लीजिए जो बंगाली में बेसिक शिक्षा है वो बंगाली में पढ़ाए लेकिन हिंदी भाषा भी अनिवार्य रहे उनके लिए, ठीक है, जो गुजराती में पढ़ाना चाहते हैं गुजराती में पढ़ाएं लेकिन हिंदी भाषा भी उनके लिए अनिवार्य हो। तो बेसिक शिक्षा में कहा गया था कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो मगर हिंदी भाषा सभी के लिए अनिवार्य हो। बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प हो, शिल्प मतलब कुटीर उद्योग हो, ठीक है, आप जो गाँव में जो बुनियादी चीज़ें चल रही हैं उससे जुड़ा हुआ हो। अगला बेसिक शिक्षा का उद्देश्य जानते हैं दोस्तों कि शिल्प शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर, जी हाँ। तो अगला था कि शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालकों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य, मतलब आप ऐसे शिक्षा रखिए बेसिक शिक्षा में कि बच्चे कुछ सीख सके। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बताता हूँ, वेल्डिंग करना लोग बुरा समझते हैं लेकिन ये बुरा बात नहीं है। अगर आप बच्चा अगर बेसिक शिक्षा में वो इसको सीख जा रहा है, जैसे कि कारपेंट्री, वेल्डिंग, लड़कियों की बात करें तो सिंपल सी बात है, उन्हें जो ज़्यादा चीज़ें पसंद आती है जैसे पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कढ़ाई करना या फिर कुछ चीज़ें बनाना, तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान बेसिक शिक्षा में इसकी शिक्षा ग्रहण कर ले तो वो आत्मनिर्भर बन सकता है, तो वो उसके लिए जीवन में फ़ायदा होगा। तो बेसिक शिक्षा की विशेषताएं में गांधी जी ने यह प्रस्तुत किया था कि माध्यम शिल्प शिक्षा के माध्यम से बालक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के उद्देश्य रखे थे। शिल्प शिक्षा से सामाजिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सामाजिक और वैज्ञानिक शिक्षण को महत्व दिया जाए। शारीरिक श्रम की महत्व था, मतलब जो बच्चा मेहनती हो, चाहे वो किसान हो चाहे वो कुछ मजदूर वर्ग से हो, अगर वो श्रमित है शारीरिक श्रम कर रहा है तो उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसको हीन या उसको बेकार ना समझा जाए। अगला बिंदु गांधी जी ने बताया था, यह शिक्षा बालक के परिवेश, उनके गांव और शिल्प उद्योग से घनिष्ठ संबंधित हो, जो चीजें आपके गांव में चल रही हो आसपास उससे जुड़ा हुआ हो और बालक स्वयं निर्मित उत्पाद का विक्रय कर विद्यालय पर व्यय कर सके। स्वनिर्मित मतलब खुद से कुछ चीजें बना के उसे बेच के अपने जो भी चीजों का खर्च हो वो अपना उठा सके।
और दूसरा दोस्तों लड़के तथा लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था, कोई जरूरी नहीं है कि लड़कों के लिए अलग हो लड़कियों के लिए अलग हो, नहीं समान रखिए, क्योंकि लड़का और लड़की किसी भी मामले में एक दूसरे से अलग नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। और अगला बिंदु उन्होंने रखा था कि 6 से 6 और 7 में पढ़ने वाली बालिकाएं बेसिक शिल्प में गृह विज्ञान ले सकती हैं, जो भी अगर चाहती हो गृह विज्ञान लेना तो वो ले सकती हैं। तो ये बेसिक शिक्षा की विशेषताएं थी। और पाठ्यक्रम का स्तर 10वीं के तुल्य हो, जो भी आप पाठ्यक्रम बनाएं वो 10वीं के समान बनाएं। और पाठ्यक्रम में यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पाठ्यक्रम में धर्म एवं अंग्रेजी की कोई स्थान नहीं दी थी। गांधी जी के बेसिक शिक्षा का जो मॉडल था उनमें मानना था कि हर एक धर्म हर एक समान बराबर होता है, कोई भी धर्म या अंग्रेजी की बात पाठ्यक्रम में ना हो, शिक्षार्थी का बस एक धर्म होना चाहिए, शिक्षा का ग्रहण करना है वो आपस में धर्म के नाम पे कभी एक दूसरे से भेद ना करें। और अंग्रेजी के वो खिलाफ थे कि बेसिक शिक्षा में पहले विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को अच्छे से जान जाए, अपने देश को जान जाए, अपने गृह गांवों को अच्छे से जान जाए, अपनी परंपरा अपनी संस्कृति अपने शिल्प कलाएं उनको जान जाए, उसके बाद वो अंग्रेजी में जाए, ठीक है। तो दोस्तों गांधी जी के शिक्षा संबंधित के बारे में यहाँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें आप बस ध्यान में रखिए, शिक्षा दर्शन में और शिक्षा की विशेषताएं और महात्मा गांधी के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान में हमने क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहले कि गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा था, किसकी संज्ञा दी थी, 3H का फॉर्मूला दिया था। इसके साथ हमने देखा कि गांधी जी ने स्वयं इसको कैसे परिभाषित किया था और गांधी जी के शिक्षा का क्या सिद्धांत था, किन बिंदुओं को उन्होंने शिक्षा का आधार माना था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा कि गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, शिक्षा दर्शन के क्या उनके उद्देश्य थे, और साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा को कब इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसकी स्वीकृति कब मिली थी और बुनियादी शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो एग्जाम्स में सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको इनकी शिक्षा दर्शन की उद्देश्य विशेषताएं के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर गांधी जी की परिभाषाएं के बारे में। तो हर एक चीज़ का आंसर आप इस वीडियो से इजिली निकाल सकते हैं। अगर आप चीज़ को समझ गए हैं तो आसानी से अब अपनी भाषा में आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मेरी कोशिश थी कि एक सारी चीज़ों को एक वीडियो में समराइज कर दिया जाए, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े, हर एक गांधी जी से संबंधित जो भी प्रश्न आए आप इजली कर लें। तो इस चीज़ों को समझ जाइए, ठीक है, और गांधी जी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप आसानी से इसके आंसर लिख सकते हैं। मुझे खुशी होगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी फीडबैक हो तो भी बताइए, अगर फीडबैक अच्छी ना हो वो भी बताइए, ताकि वीडियो को आगे अच्छे से सुधार किया जाए। खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ते हैं और वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जारी रखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, कैसा लगा ये वीडियो देख के, आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल है कि नहीं, प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना खूब ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।